हेलो गाइस, कैसे आप सब? आप सब के लिए हम आपको न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आए हो। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, आप लोग आईसीएमआर के द्वारा फिर से आपका जो न्यू नोटिफिकेशन आ गया है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी का आइडिया रहेगा, कहाँ पर आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकता है, सब कुछ हम आपको इसी वीडियो के द्वारा आपको बता दूंगा। तो आपसे प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को आप लोग स्टार्ट से लेकर आपको एंड तक आप लोग वीडियो से आप लोग जुड़ रहिए, ठीक है। एंड आप इससे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे आप लोगों को रीजनिंग वगैरह, आप लोग मैथ एंड इंग्लिश और भी आप लोगों को टेस्ट देना पड़ता है, तो इसी के बेस में मैं आप लोगों को बुक्स वगैरह लिंक मैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग घर बार से बुक्स वगैरह आप लोग परचेस कर सकते हैं, एंड आप लोगों को सस्ती बुक्स, आप लोगों को प्राइस में अच्छी क्वालिटी बुक्स वगैरह यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो चले मैं अब वीडियो शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर आईसीएमआर द्वारा आप सब जानते हो गए, आपका जो वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर मेडिकल है, इसमें आप लोग जो पोर्टचेरी में स्टैब्लिशमेंट है, इसमें आप लोगों को वेरी फर्स्ट पोस्ट में आपको है न्यू रिक्रूटमेंट जारी होगा, जिसमें आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहता है, जिसमें कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल एंड फिक्स टर्म को नहीं है, सब सब आपको परमानेंट सरकारी जॉब पेपर को मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो पोस्ट है आप लोगों को, पोस्ट को पहले देख लेना, एंड पोस्ट है आपका जो टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस में, इसमें आपको डायरेक्ट ऑफिसर रैंक का पे स्केल 6 मिल जाएगा, जिसमें से लगभग यहाँ पर आप लोगों को हर महीने 60 से 70 रुपये हर महीने आपको मिल जाएगा। एंड इसमें आप टोटल आपको 11 पोस्ट जारी होगी, जिसमें से यूआर में 5 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 1 है, एंड आपको एससी में 2 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी कॉलेज में फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री आप लोगों को कंप्लीट करना होगा, वो 3 साल का होता है लाइफ साइंस में, एंड जो भी एटलीस्ट एनुअल सब्जेक्ट का होना चाहिए जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। सो अपर लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, ओके। एंड आप लोगों को जो पोस्ट कोड है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में, इसमें आप लोगों को पे स्केल 6 सैलरी मिल जाएगा, जिसमें से यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट क्लास आप लोगों को बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन, नहीं तो यहाँ पर आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। एंड नहीं तो फर्स्ट क्लास आप लोगों को 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में आप लोग को चाहिए, नहीं तो फर्स्ट क्लास बीटेक बीई आप लोगों को कंप्यूटर साइंस में रिलेटेड कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए आप लोगों को एज क्राइटेरिया नॉन एग्जिस्टिंग नॉट एग्जिस्टिंग 30 ईयर्स आप लोगों को जारी हो गया है, ठीक है। एंड जो पोस्ट कोड है इसके लिए आप लोग देख सकते हैं, इसके लिए आप जो TA जारी पोस्ट कोड टेक्निकल असिस्टेंट फिजियोथेरेपी, इसमें लिए आप लोगों को देख सकते हैं, इसमें टोटल पोस्ट कोड आपका 1 है ओबीसी में, जिसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोगों को फिजियोथेरेपी फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जारी हो गया, जिसमें से आप लोगों को नॉट एक्सीड 30 ईयर्स तक है। एंड यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं, आप लोग जो टेक्नीशियन असिस्टेंट आप लोगों को केमिस्ट्री में एंड पे स्केल 6 सैलरी मिल जाएगा, इसमें से आप लोग पोस्ट कोड ईडब्ल्यूएस में जारी हुआ है। एंड जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर्स डिग्री केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करना चाहिए आप लोगों को। अपर एज लिमिट नॉट एग्जिस्टिंग 30 ईयर्स आप लोगों को। जो भी पोस्ट कोड है आप लोगों को टेक्निशियल असिस्टेंट सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क में, इसमें से आपको पे स्केल 6 सैलरी मिल जाएगा, एंड पोस्ट आप लोगों को एससी में जारी हो जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन को फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स बैचलर्स डिग्री सोशियोलॉजी वर्क सोशल वर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नॉट एग्जिस्टिंग 30 ईयर्स में आप लोगों को, ठीक है। एंड जो भी आप लोगों को पोस्ट कोड है टेक्नीशियन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसमें पे स्केल 6 आप लोगों को मिल जाएगा, एंड इसमें ओबीसी में जारी होता है, एंड आपको फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको लेता है, नहीं तो आपको फर्स्ट क्लास बीटेक कम्प्लीट करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर आपको टेक्नीशियन असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में, इसमें पे स्केल 6 सैलरी मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपको एसटी में पद जारी होता है फर्स्ट क्लास 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, नहीं तो आपको बीटेक करना होगा, डिप्लोमा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आपको लड़को रखना चाहिए। दूसरा यहाँ पर आप लोगों को जो टेक्नीशियन असिस्टेंट बायोफॉर्मेटिक्स में आप लोगों को फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करना हो, जिसमें 2 पोस्ट है आपका, एक पोस्ट आपका एसटी में है और एक पोस्ट आपका यूआर में जारी होता है।
दूसरा है टेक्नीशियन वन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पे स्केल 2 जारी है सैलरी। इसके लिए टोटल 28 पोस्ट जारी हो गया, इसमें से को 12 क्लास पास आउट करना होगा एंड साइंस देखने 55% मार्क्स के एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी में कंप्लीट करना होगा। एंड उसके बाद जो टेक्नीशियन वन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग है, इसमें पे स्केल 2 मिल जाएगा, इसमें सेम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रेफ्रिजरेटर में कंप्लीट करना होगा, ओके 1 साल का। दूसरा है प्लम्बर में भी आपको 12 के साथ आप लोग 1 ईयर प्लम्बिंग कोर्स में आप लोग कंप्लीट करना होगा एटलीस्ट, ओके। एंड दूसरा है लेबोरेटरी अटेंड, इसमें आप लोगों को 10 क्लास पास आउट होना होगा 50% मार्क्स के साथ एंड यहाँ पर आप लोग प्लीज 1 ईयर एक्सपीरियंस लैन एक्सपीरियंस आपको चाहे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज अप्रूव एंड रजिस्टर्ड लैब में। दूसरा यहाँ पर आपका जो लेबोरेटरी असिस्टेंट आपको जो कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी में पे स्केल 1 आप लोगों को 10 क्लास पास आउट 50% मार्क्स के साथ एंड अप्रूव रजिस्टर्ड ITI में आप लोगों को लेबोरेटरी अटेंडमेंट का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको होना चाहिए। दूसरा लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आप लोग देख सकते सेम क्वालिफिकेशन जारी आप लोगों को हो गया है एंड और भी इंफॉर्मेशन जारी आपके पास हो गया है, आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना कैसे क्या इसट में जाके रजिस्टर करके उसके बाद आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर है आपके पास आप लोग दे देना एंड ध्यान से आप लोग को मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देना कि उसी में आपका फुल इंफॉर्मेशन वहां पर आपको आएगा। और भी है आप लोग चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन फी देना होगा जो आपको 300 रुपीज को पेमेंट करना होता है। आप लोग जो है ऑनलाइन डेबिट कार्ड पेमेंट से आप लोग दे सकते हैं, जो वोमेन से SC ST है PWD सर्विसमैन उनके लिए फ्री है, उनके लिए कुछ पैसा उनको नहीं देना होगा, जो SC में एम्प्लॉय उनके लिए भी फ्री है, ठीक है। और भी आप सिलेक्शन प्रोसीजर जारी हो गया आप लोग वो भी आप लोग देख सकते हैं, टेक्नीशियन असिस्टेंट टेक्नीशियन 1 टेक्नीशियन लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 में सभी भी आपको एग्जाम आप लोगों को जारी हो गया है, आप लोग ऐसा देख सकते हैं। आपको 90 मिनट्स का यहाँ पर आपको ड्यूरेशन एग्जाम हो जाएगा, सारा कुछ दे दिया है, सो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो कुछ भी डाउट वगैरह होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। एंड आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक वगैरह मैं इसी वीडियो के में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब चलता हूँ, सभी के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ, आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर दे, चलिए गुड बाय, जय हिंद।